हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रामायण एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। आप सभी ने कभी न कभी रामायण देखी ही होगी। आज भी टीवी सीरियलों में रामायण दिखाई जा रही है, लेकिन कुछ लोग रामायण को मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं, एक काल्पनिक कथा बताते हैं। पर मैं आपके सामने कुछ ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा जो आपको विश्वास करने पे मजबूर कर देंगे। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे सबूत। आज भी श्रीलंका में रावण की लंका देखने को मिल जाएगी। ये बड़े बड़े पहाड़ आपको बताते हैं कि रावण की लंका यहीं पर थी। जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहे थे, तब जटायु ने उनका बीच बचाव किया था और बीच बचाव करते करते उन्होंने अपने एक हाथ को गंवाना पड़ा और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। आज भी श्रीलंका में जटायु नाम का एक पार्क मौजूद है जो आज भी पर्यटन का स्थल है। आज भी बड़े से सैनानी वहाँ घूमने आते हैं। और अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। आज वो एक पार्क के रूप में देखी जाती है और काफ़ी लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं और इसे सीता विल्ले के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे हनुमान आए थे और उन्होंने यहाँ पे स्नान किया था और यहाँ पे स्नान करते करते उनके पैरों के छाप आज भी वहाँ देखने को मिल जाएंगे। और उनकी गदा जो वहाँ रह गई थी, आज भी खुदाई में उनकी गदा मिली है। रावण भोलेनाथ का एक बहुत बड़ा भक्त था, तो श्रीलंका में आज भी भोलेनाथ की मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। आप भी वहां जाके भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा सबूत, श्री राम ने पत्थरों पे श्री राम लिख के जब समुद्र में फेंका जा रहा था हनुमान द्वारा, तो वो पानी में तैरने लगे थे और राम सेतु का निर्माण हुआ था, उसी पे श्री राम चढ़ के श्रीलंका पहुंचे थे। आज भी इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में आज भी राम सेतु आपको देखने को मिल जाएगा। साइंटिस्ट भी प्रूफ कर चुके हैं कि श्री राम सेतु आज भी वहां मौजूद है। आपको ये घटना